कैसे अमिताभ बच्चन ने खराब किया मुकेश खन्ना का करियर, कैसे भारत में भीष्म पितामह कहे जाने वाले मुकेश खन्ना रह गए पीछे अमिताभ बच्चन से, क्या थी वो राजनीति जिसने बर्बाद किया मुकेश खन्ना का भविष्य, मुकेश खन्ना क्यों पिछड़े रह गए उन तमाम बॉलीवुड अभिनेताओं से। मुकेश खन्ना के अभिनय के लाखों दीवाने हैं देश में। 80 के दशक में दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले मुकेश खन्ना को आज भले ही बहुत कम लोग जानते हो, लेकिन उस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुकेश खन्ना 80 के दशक के एक उभरते हुए सितारे थे, जिनको जीवन में वो मुकाम नहीं मिल सका जो वास्तव में उन्हें मिलना चाहिए था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। इस मर्तबा हम कथा पर जानेंगे कि आखिर वो क्या कारण था जिस कारण खत्म हुआ मुकेश खन्ना का टीवी इंडस्ट्री में भविष्य। अपनी दमदार एक्टिंग और गहरी आवाज के लिए पूरी इंडस्ट्री में जाने जाने वाले मुकेश खन्ना 80 दशक में एक सुपरस्टार से कम नहीं थे। एक इंटरव्यू के मुताबिक मुकेश खन्ना ने इस बात को साझा किया था कि 80 के दशक में उन्होंने 15 फिल्में एज लीड साइन की थी। अमूमन हर टीवी स्टार फिल्म्स के बाद एड शूट्स भी करता है। मुकेश खन्ना ने भी एक एड शूट किया था और वो एड शूट उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। दरअसल ये एड कई बार थिएटर्स में भी फिल्मों के बीच में दिखाया जाता है। जिस थिएटर में वो एड चलाया जा रहा था, एक दिन उस थिएटर में अमिताभ बच्चन अपने कुछ दोस्तों के साथ फिल्म देखने पहुंचे थे। दरअसल उस एड में मुकेश खन्ना सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं और इसके बाद उन्हें आजू बाजू से कई लड़कियां घेर लेती हैं। यह दृश्य जब अमिताभ बच्चन देखते हैं तो थिएटर में अमिताभ बच्चन अपने दोस्तों से कहते हैं कि साला कॉपी करता है। जी हां, ऑन द टॉक्स को दिए हुए एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने इस बात को हम सभी के सामने साझा किया था। अमिताभ बच्चन ने ये 3 शब्द मुकेश खन्ना के खिलाफ उस थिएटर में इस्तेमाल किए थे और इसके बाद से ही मीडिया ने मुकेश खन्ना के खिलाफ एक फेक नैरेटिव शुरू कर दिया, जिस फेक नैरेटिव ने नाम दिया मुकेश खन्ना को एक कॉपी एक्टर का। इस सब के बाद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस समय 80 के दशक में मुकेश खन्ना एक उभरते हुए सितारे हिंदी फिल्म जगत में साबित हो रहे थे, इस वाकयात के बाद मुकेश खन्ना की आने वाली 4 फिल्में लगातार फ्लॉप साबित हुई। आमने सामने को दिए एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने इस बात को साझा किया था, जिसमें उन्होंने अपनी गुमनामी का जिक्र 84 से 86 यानी 1984 और 1986 के बीच में मुकेश खन्ना ने एक गुमनामी की जिंदगी जी थी। मुकेश खन्ना के ऊपर कॉपी एक्टर का टैग लगने के बाद मुकेश खन्ना की बराबरी अमिताभ बच्चन से की जाने लगी, जहां दर्शक अब मुकेश खन्ना को ये समझते रहे कि मुकेश खन्ना अब हर तरह से अमिताभ बच्चन की एक्टिंग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उस कॉपी एक्टर का टाइटल मुकेश खन्ना के सिर से कभी नहीं हटा। आमने सामने को दिए एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने इस बात को पूरी तरह से लोगों के सामने रखा था, जहां मुकेश खन्ना ने अपने तमाम दर्शकों से इस बात को कहा था कि वो किसी भी सूरत में अमिताभ बच्चन की एक्टिंग कॉपी नहीं करते हैं, उल्टा अगर उनके तमाम दर्शक उन्हें अमिताभ बच्चन से जोड़ते हैं तो केवल उनकी कदकाठी और गहरी आवाज के कारण। उनकी गहरी आवाज का ही ये जादू था कि महाभारत में भीष्म पितामह का रोल केवल मुकेश खन्ना को ही दिया गया था। इस सबके अलग अमिताभ बच्चन ने भी मुकेश खन्ना का कभी भी जिक्र अपने किसी इंटरव्यू में नहीं किया। दोस्तों, यदि मुकेश खन्ना से अलग भी बात की जाए तो जब फिल्म कुली की शूटिंग चल रही थी तो पुनीत इस्सर के साथ एक एक्शन सीन शूट करते हुए अमिताभ बच्चन के पेट में चोट आई थी, जिसके बाद सारे देश में पूजा पाठ शुरू हो गया था। इसके बाद पुनीत इस्सर का करियर भी बलाए ताक रख दिया गया था और अमिताभ बच्चन ने कभी भी अपने तमाम दर्शकों से, तमाम फिल्म मेकर से पुनीत इस्सर का करियर दोबारा शुरू करने की बात कभी नहीं कही थी। फिल्म बॉर्डर से पुनीत इस्सर ने अपनी जिंदगी को एक नया पहलू दिया और ऐसा ही मुकेश खन्ना ने किया जब 90 के दशक में उन्हें सीरियल मिला शक्तिमान। भीष्म पितामह के बाद एक बार फिर पर्दे पर मुकेश खन्ना ने कमबैक किया, जिसके बाद उन्हें तमाम दर्शक, तमाम बच्चे शक्तिमान कहकर पुकारने लगे थे। इस सब के बाद आज भी मुकेश खन्ना सोशल मीडिया पर, खासकर YouTube पर काफी एक्टिव रहते हैं अपने दर्शकों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए। तो दोस्तों, ये कारण था कि आखिर मुकेश खन्ना क्यों पिछड़ गए थे उस जमाने में हिंदी फिल्म जगत के अंदर। इस मर्तबा कथा पर केवल इतना ही। मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन।